आए किसान भाई, आप लोग देख रहे हैं जो मधौल पशु मंडी वैशाली बिहार से गाय अभी अभी खरीद किया गया है, तो ये गाय को आप लोग को कोशिश करूंगा मिल्क पूरा दिखलाने के लिए, उसके बाद ये वाली गाय का भी आप लोग को डिटेल दूंगा जो कि HF क्रॉस ब्रीड नस्ल की गाय है किसान भाइयों, जो आप लोग देख सकते हो, जो कि लाइटिंग भी काफी मस्त है गाय के नीचे है किसान भाइयों। अभी दूधवा छोड़ल है, नया गाय है ना, से तनिक गर रहा होगा अभी, एक बार खाली हो जाएगा बाद फिर शांत हो जाएगा। अपने दूधवा छोड़ रहे हैं ना, अभी नया वाले से गरता, एक बार खाली हो जाएगा ना और बाद फिर ठीक हो जाएगा। पछाउट एगो लगाना था, पछाउट एक गमछिया से बांधना है, यहाँ लग जाएगा तो ठीक है, तो घर का उन्ना लगाना है, गमछिया लगावा ना जरा लपेट के। पछोटवा जरा मारा ना, पछोटवा ना हवा, पछोटवा मारा हवा ना, एक बार चेक करना था, पछाउट मार के तनो तो घर पछाउटे पर दो हजार नस्लो ऐसा नहीं कि शांति रहे छे, लेकिन एक किसान आदमी हथिन तो फिर आगे से गर्दन ले ले है। गर्दन और पीछे से HF वाला ले ले है। ये गाय देखिए कहाँ से कहाँ गया, कर नसीब कहाँ था लिखल, सबके अपन अपन नसीब। कहाँ के था, इधर के था ना, समस्तीपुर के तरफ इनका के है, यहाँ के है, चक सिकंदर के हमारे साथ घर और के हमारे साथ घर से 30 किलोमीटर। चक सिकंदर कहाँ पड़ता है, ये वैशाली में पड़ता है, यहाँ से जाइएगा, अभी गाय लेके जाएगा ना, वहाँ वहाँ हमारे साथ घर से 30 किलोमीटर हुआ। सब ठीक है, सब ठीक है, ऊपर वाला किरा से जो है से बच्चा लगावे ले है ना, ना सब ठीक है, रहना बच्चा के चाटना चाहिए, वो का मुख्य उद्देश्य है, गाय दुहाई में बच्चा को चाटना चाहिए। इसका बच्चा इसका नहीं है ना, इसका बच्चा नहीं है, इसका बच्चा बन गया ना, दूसरा बच्चा वो लगा के दिया। हां अगर ये बच्चा ना चाटना चाहिए, लाभी बाछा है तो लाभी। जो कि आप लोग देख सकते हो, जो कि ये गाय के हम लोग हैं, वो शंखा कर रहे हैं बच्चा लगा हुआ, लेकिन जो है वो सब ठीक है किसान भाई। जो कि ये गाय है 5-6 दिन की ही ब्याई हुई होगी, कंफर्म है 5-6 दिन की, बकेन गाय नहीं है, गाय बक्के न है, शक में न रहना है, गाय है से यहाँ प्रूफ भी कर दिया कि देखिए कचरा गिरा के चलिए। थोड़ा बाबा से भी आप लोग को बात करवाऊंगा किसान भाई, बाबा से आप लोग को भी बात करवाऊंगा, इन्होंने खरीद किए हैं तो। बाबा आपका नाम क्या हुआ? नरेंद्र पुरी। कहाँ के रहने वाले हुए? घर तो इसे पतला है, होगा आपको बठिया, पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं, गाय खरीद के कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक गाय खरीद किए हैं तो कितना आपके अंदाज से दूध करेगी? दूध हमको लगता है आज के 14 लीटर करेगी, 14 लीटर दूध करेगा। जो कि रेट है आपके अंदाज से गाय को कितना रहना चाहिए था? चाहिए था 50-55 के लगभग में चाहिए था, 55 के लपेट में। हाँ। लेकिन ये गाय 62 में खरीद की, लेकिन जो लिखा रहेगा वही होगा। हाँ। जो कि गाय है एक नंबर है, गाय है फर्स्ट बियात के ही, दो दांत की गाय है, दो दांत के, आगे चल के बाछे भी दे सकते हैं अगला बयान में। हाँ। अगला बयान में जाके गाय है से 17-18 किलो से कम दूध न करेगी अगला बयान में जाके, अगला बयान में करेगी। क्योंकि बच्चा भी है, बछड़ा है तो देखा जाएगा, जोगाड़ लगा था बच्चा बाछा है तो हटा के बाछी के जोगाड़। क्योंकि जहाँ तक के हम लोग को शंका है ना कि ये बच्चा है लगा हुआ है गाय में, लग रहा है जो कि ये बच्चा है ये लगभग 1 महीना के इर्द गिर्द में होगा, 25-30 दिन के। लेकिन दलाल भाई रहते हैं, कैसो आदमी के आता है मिला तो माइंड है वो डिस्टर्ब करके सटा देते हैं किधर ना किधर।
इसी कारण थोड़ा अधिक रेट लगा है, जो कि ये गाय खमीस में खरीद किया गया है। खरीद किया खमीस में, जो कि पैसा गिना रहा था, तब वहाँ पर गए तो कहा कि अब साइड हो गए कि हम अपने गिने। वो तो लगता है दूसरा कोई कैसे कर दिया है, लगा दिया है। हाँ? दूसरा के वो अपने में अपने सब था, दलाल है से ओकरे आदमी था। वो गाय था से 54-55 में खुला गाय हुआ से, खमीस बतिया रहा था ना, खमीस मतलब 55 में वो गाय खरीद किया। तो हम वहाँ पर सामने जाते तो जान जाता कि की है, कहा कि चलिए साइड हो गए। इस कारण से है जो कि मान लीजिए 7,000 रुपया उसे अपन वो सब बेच रहा, और लिखल था इतना खाने का, वो ना खाएगा तो कैसे चलेगा। चलिए तो इनके भी एक बार और आप लोग को बात करवा दूंगा। और वार पूरा सुटुक जाएगा दुहाने के बाद गाय के। अब छोड़ दो, छोड़ दो, रांची के गाय खरीद रखे। ओका से पूछिए, पूछिए तो से बच्चा होगा तो दे देगा, बाछी पूछिए बच्चा है, बच्चा है लगता है। तो वो ले ले होगा ना, 7-8 को लेता है तो बच्चा होगा तो दे देगा। देखिए देखिए तो देखिए तो छोड़ दो, छोड़ दो, हुआ छोड़ दो। छोड़ दो, घरे ले जाकर अपन अब दुखता थे। जो कि दलाल भाई के फैमिली थोड़ा पढ़ के और अधिक रेट में खरीद कर लिए हैं। हाय ओकरा भेजून, हाय हाय ओकरा पास दे देगा, देगा ना कर रहा है, ना कर रहा ना देगा ना। जो कि आप क्या कहना चाहते हैं और खरीद करने के लिए आते हैं दलाल भाई के लिए? ये खरीद कर कहना चाहते हैं कि अपना विवेक अपना बुद्धि से काम करें, अपना बुद्धि से। तो आप काहे ऐसे कर लिए मेला में आकर? मेला में आने के बाद ही कर लिए, ही करते कि जो हमारे साथ बाबा आए थे, अच्छा उनको ये ज्यादा पसंद आया, ज्यादा पसंद इस कारण से इतना अधिक मिली, इस कारण से इस गाय को लेना पड़ गया। जो कि खमीस बोला तो हम लोग समझे कि 55 के गाय खरीद के आए, लेकिन 62 में वो लोग भी है, वो 2-4 हज़ार नहीं, और कस्टमर लोग चढ़ रहे थे, और कस्टमर चढ़ा नहीं, ये आप भूल में नहीं रहिए। अच्छा, अच्छा। उसी लोग का आदमी वो भी रहता है मेला में दिखाते के लिए गाय बिक रही है, आप लोग चले वो सब 500-500 रुपया लेके खुश रहेगा। आपको मोटिवेट कर दिया कि गाय बिक रहे हैं, पल बला के चढ़ गए रेट पर, पहले आप नहीं चढ़ रहे थे। आप हम भी ज्यादा 50-51 से मना किए थे, वो अंदाज हम लोग लगा लिए थे कि 50-55 आएगा इससे ज्यादा की। हाँ, लेकिन वही सब अपना मोटिवेट कर लिए बाबा को, जो आप लोग देख सकते हैं, और खरीद कर लिए। शौकिया मिजाज के आदमी हैं, जो आप लोग देख सकते हैं शौकिया मिजाज के, और खरीद किए हैं। जो कि गाय है काफी मस्त है, अगला बयान में जाके अगला बयान में ये गाय बन जाएगी। ₹50 लीटर हुआ। मेला में बेचूंगी ऐसे बढ़ के बात है, मेला में बेचूंगी ऐसे बढ़ के बात है दूध। तो आप लोग देखिए, जो कि आप यही कहना चाहते हैं कि मेला में कोई भाई खरीद करने आता तो दलाल के फेरा में नहीं, नहीं दलाल के फेरा में नहीं आए। और दूसरा बात है कि अपना पुराने व्यक्ति को लेके आया कि जिसको अनुभव हो, जो ही लेके जो गमछी के चर में हाथ डाल के जो कि आप गाय को कहे कि हमको तो अमछी गमछी वाला आता है ना, से उतना समझ करेंगे, लेकिन जो है से ठीक है सब, गमछी वाला आदमी रहेगा तो ठीक रहता है, लेकिन गमछी वाला हम लोग को आदत लग जाएगा ना, तो पता चलेगा कि हम सब गमछी में हाथ दे लेंगे तो वीडियो बनना ही छोड़ के, और गमछा वाला काम का कि एगो में 5,000-7,000 बचेगा, तो हम लोग सोचेंगे कि ये में आएगा उसे पैसा 500-1,000 देगा खरीदे तो अच्छा वही करने लगे, तो फिर व्यूअर सके भी दिक्कत हो जाएगा हम सके कारण। इसी कारण है कि हम सब गमछा वाला ना सोचते हैं इसे करने के लिए। और उस है से कितनों कमा लेगा ना, तो आगे मैं उसे नहीं बढ़ेगा। सबसे मेन उद्देश्य है अलाल दलाल से लेगा पैसा तो आगे मैं कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप गौर कीजिए कितनों पैसा हो जाए लेकिन वो कुटिए में रहे, कहीं महल में नहीं जा सकता है, ये बात रहता है ना। देख लीजिए, तो मैं कोशिश करूँ आप लोग को अगली गाय को लेकर चलने का।